यूनरी डायवर्जन के नोट्स की बात करते हैं। कभी क्वेश्चन आता है यूनरी डायवर्जन क्या है भाई? इट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट्स अ न्यू वे फॉर यूरिन टू एग्जिट। सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट्स अ न्यू वे फॉर यूरिन टू एग्जिट। अगर हम यूरिनरी डायवर्जन की बात करें तो हमारे पास मेनली चार टाइप के होते हैं यार, है ना। इलियल कॉन्डुइट से यहाँ पे पास कर सकते हैं, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं 18 से 20 सेंटीमीटर का, है ना, इलियम से दूर लेटरल आस्पेक्ट ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस के अंदर एक स्ट्रोमा बनाते हैं, एक छेद बनाते हैं, ठीक है, जिससे यूरिन पास हो पाए। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइप। सेकेंड इज़ द यूरेट्रो सिग्मोइडो स्टोमी, यूरेट्रो सिग्मोइडो स्टोमी। थर्ड इज नेफ्रोस्टोमी, स्टोमी मतलब समथिंग रिलेटेड टू कॉन्डुइट, होल, छेद बना रहे हैं स्टोमी के अंदर, ठीक है। तो नेफ्रोस्टोमी कब करते हैं भाई? जब रेट्रो ग्रेड ड्यूटरल कैथेटराइजेशन फेल हो जाए। है ना, एंड ये जनरली क्यों होता है? प्राइमरी टू सेप्सिस पहला कारण है, सेप्सिस सेकेंडरी टू उस केस में हो सकता है जिसमें सेप्सिस हो गया हो, सेकेंडरी टू दी ऑब्स्ट्रक्शन में, है ना, या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो उसमें रेट्रोग्रेड ड्यूटरल कैटेटराइजेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? यूरिनरी डायवर्जन करते हैं। फोर्थ इज व्हाट? फोर्थ इज यूरेट्रो स्टोमी। यहाँ पे तब देखने को मिलता है जब हमारे पास ट्रॉमा हो जाता है यूरेटर को, तो ये करते हैं यार यूरेट्रो यूरेट्रोस्टोमी, या फिर कैंसर हो गया है, कार्सिनोमा इन वॉल्विंग यूरेटर। नाउ इंडिकेशन क्या है कि हमको करना ही पड़ेगा यूरिनरी डायवर्जन इनमें से कोई एक। ब्लैडर कैंसर में जनरली हम करते हैं, एंड नेफ्रोजेनिक और सॉरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में ज़्यादातर करते हैं यूरिनरी डाइवर्जन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यूरिनरी डाइवर्जन। शॉर्ट नोट आ सकता है यार, 5 नंबर में आता है। सो ये हो गया, हमने टाइप्स देखा, इंडिकेशन देखा यूरिनरी डाइवर्जन का।